नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में तरह तरह के धार्मिक त्योहार और तिथियां मनाई जाती है, पर हिंदू धर्म के पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जहां हम अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पितृपक्ष का महीना कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन चलते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। हिंदू समाज में पितरों को देवतुल्य माना गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही लाभदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है तो पितृ दोष लगता है। यदि श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के माह में कुछ उपाय अवश्य करें। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृ दोष से मुक्ति के उपाय बताएंगे और ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज है और हम पर पितृ दोष लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पितृदोष मुक्ति के उपाय के बारे में और उसके बाद जानेंगे उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा अनुसार जब सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हम कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तब श्री हरि विष्णु जी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष माह का आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि वे इस माह में कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य का वेश धारण कर अपने प्रियजनों के दर्शन कर सकते हैं और उनके भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के इस महीने का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले इस माह के आरंभ से यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष माह का आरंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इस रात के समय जो भी पितृ आपके द्वार पर आए होंगे उस जल से उन्हें अवश्य तृप्ति प्राप्त होगी और वह आपके द्वारा से रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। दूसरा उपाय, हम पितरों के श्राद्ध पर उनके लिए भोजन तो बनाते ही हैं, यह हम सब जानते हैं, किंतु पितृपक्ष के पूरे माह में हम जो भी भोजन घर पर बनाएं, उसमें से कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमारे पितर जिस भी रूप में धरती पर होंगे उन्हें अवश्य तृप्ति प्राप्त होगी और वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा उपाय, पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना। यह अचूक उपाय है जिससे आपके ऊपर सदैव आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष के माह की शुरुआत होते ही आप घर में पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए और उनका आवाहन करते हुए ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण करें और पितरों की तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसे पितृ दोष से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपके पितरों की श्राद्ध तिथि पर आपको ब्राह्मण को भोजन आवश्यक करना चाहिए और उस भोजन से जो थोड़ा बच जाए उसे आपको कौवे, गाय या कुत्ते को खिलाना चाहिए और जब आप यह भोजन कौवे को खिलाने जाएं, तब आप मन में अपने पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितृ जहां भी जिस भी स्वरूप में होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य पहुंच जाएगा और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। छठी बात, पितरों की पसंद की चीज किसी जरूरतमंद को दान करना। यदि आप पितृपक्ष के माह में अपने पितरों की पसंद की चीज जैसे उनका पसंद का खाना,
कपड़े, मिठाई आदि जैसी चीज किसी जरूरतमंद को दान करते हैं या ब्राह्मण को दान करते हैं तो उनका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। साथ ही यदि आप पर पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे किसी कारणवश रूठ गए हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन पर नजर आ रहा है तो आप पितृ पक्ष के महीने में अपने पितरों को तृप्त करने और प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा, गीता का पाठ, कृष्ण भजन या जागरण जैसे शुभ कार्यों का आयोजन स्वयं करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आठवीं बात, यदि आपके पितरों की मृत्यु अकस्मात हुई है या समय से पहले हुई है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गया जाकर उनका तर्पण आवश्यक करें। पितृ पक्ष मास में गया जाकर उनका श्राद्ध व तर्पण करने से आपके पितर जिस स्थान पर भी होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए अब जानते हैं किन संकेतों से पता चलता है कि हमें पितृ दोष लगा हुआ है। पहला संकेत, अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी कुंडली में पितृ दोष का कारण अवश्य हो सकता है। दूसरी बात, परिवार के बीच कलह और पैसों की तंगी भी इस ओर इशारा करती है। तीसरी बात, बेवजह के कोर्ट कचहरी के केस होना भी पितृ दोष का कारण हो सकता है। चौथी बात, अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है और आपको इसका कारण समझ नहीं आ रहा है तो आपको कुंडली की जांच करवानी चाहिए। पांचवी बात, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आपको भी पितृ दोष हो सकता है। इससे बचने के लिए ऊपर बताए गए पितृ दोष मुक्ति के उपाय अवश्य करें। उम्मीद यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव लिखना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।